नमस्कार, फैप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। आगामी बोर्ड परीक्षा को देखते हुए शिक्षा विभाग द्वारा अब इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे कि रिजल्ट बेहतर स्थिति में आ सके। इसके लिए अलग से कमजोर छात्रों के लिए कक्षाएं लगाने के लिए भी निर्देश दिया गया है। डीओ एस के शर्मा ने बताया कि इसके लिए स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए हैं और वे खुद स्कूलों में जाकर इनकी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। उनका ये मानना है कि इस बार रिजल्ट बेहतर आएगा। सभी प्रकार की तैयारियां हो गई हैं। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण हो गया है। कर्मचारियों की सूची, केंद्र अध्यक्षों की सूची वहाँ से रेंडमाइजेशन होकर के ड्यूटी लग करके आएंगी, उसके हिसाब से उस समय हो जाएगा। सामग्री आएगी, ये सारी अपनी पूरी तैयारियाँ हो गई हैं। और बेहतर परिणाम के लिए सर किस तरह से बेहतर परिणाम के लिए पूरी अभी जो तिमाही परीक्षा और छमाही परीक्षा जो हुई है, छमाही ये ख़त्म हो जाएगी, उसके आधार पर दोनों का तुलनात्मक जो है वो निकाला जाएगा कि किस किस का क्या परफॉर्मेंस, किस विषय में किस स्कूल का क्या रहा, किस टीचर का रहा। उसकी समीक्षा करने के बाद जहाँ जो कमी रही होगी उसको अपन पूरा करेंगे। परीक्षा पहले कि बहुत अच्छा परीक्षा परिणाम इस बार आए। जो बच्चे कमज़ोर रहते हैं सर, उनके लिए क्या, उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं। 9:30 बजे से कलेक्टर साहब ने इसीलिए सारे स्कूल कर दिए थे, उनको एक्स्ट्रा क्लासेस लगाओ, उन विषय की लगाओ। तो ये सारी बच्चे बैठेंगे सर, परीक्षा हो तो करीब अपने यहाँ के बैठ रहे हैं 3 लाख के करीब बच्चे बैठ रहे हैं।